कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में CBI जांच की जाए और हत्या आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इस हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। ज्ञापन दिया यहाँ पे सर, ये मैं राजीव सैनी, भगवा रक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन दिया गया है, ये कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या जो की गई है, इसके विषय में ज्ञापन दिया है। हमारी भगवा रक्षा वाहिनी की पूरी टीम जल्द से जल्द कमलेश तिवारी जी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलानी चाहती है और जो उनके घर वालों की मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करने की मांग रख रही है। और अभी हमारे जो है भगवा रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष तिवारी जी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और बाकी